राधा तुम बताओ क्या कभी भी मोहन जी ने तुम्हारे साथ कोई 420 की है या फिर तुम्हें झूठ बोलकर पैसे ऐठे हैं या फिर मैं ये कहूं तुम्हारा शारीरिक शोषण किया है पहला फुसला कर भाग्य बिहारी जी ये सब आप क्या बोल रही हैं हाँ हमारे मोहन जी कभी ऐसा नहीं कर सकते तो बस मोहन जी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन बन ही नहीं सकती मैं उन्हें इस बेस पे अरेस्ट करूं कि उन्होंने तुम्हारे प्रॉमिस को तोड़ दिया ये कोई क्राइम या फिर कोई इलीगल काम तो नहीं है ना राधा और मोहन को अपनी मर्जी से शादी करने का पूरा अधिकार है राधा और उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करने के लिए इनफैक्ट कानून भी नहीं अब आप लोग ना एक काम कीजिए आप लोग आपस में वार्तालाप करके बताइए हमें करना क्या है ठीक है अगर किसी को कोई ऐतराज नहीं तो कर ले हम शादी चलो बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हमने बस बहुत हो गया चलो अब बाकी बिहारी जी प्लीज ऐसा मत होने दीजिए राधा बहुत दूर आ गई है उसने अपना मान सम्मान इज्जत सब कुछ दांव पर लगा दिया है उसके जिंदगी का सिर्फ एक ही उसूल था कभी झूठ नहीं बोला लेकिन उसने आज वो भी किया मोहन से झूठ बोला सारे परिवार से झूठ बोला प्लीज प्लीज बाकी बिहारी जी उसके बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए प्लीज कुछ कीजिए बाकी बिहारी जी क्या हुआ शादी नहीं हुई अभी तक हमने आपसे कहा था ना कादंबरी जी कि मोहन की शादी नहीं होगी लगता है ये मुहूर्त भी आपके हाथ से निकल जाएगा होगी पर दामनी की नहीं डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में